ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज का दिन देश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन बन गया है। वर्षों से जिस पल का लगभग हर देशवासी को इंतजार था, वो आज आ गया। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है और लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है। इस तरह अब दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी। इस संबंध में सोमवार को संसद का सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पेश किया और धारा 370 के कुछ प्रावधान तथा 35A को हटाने की घोषणा की। लगे हाथ कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी और अधिसूचना पर राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दिए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अलग संविधान और अलग ध्वज की मान्यता भी खत्म हो गई है। इससे पहले सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री निवास में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्री संसद पहुँचे। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी संसद में पहुंच गए थे। राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद कर दिया गया है, ऐसे में गृह मंत्री को घाटी की स्थिति पर बयान देना चाहिए। गुलाम नबी आजाद की बात सुनने के बाद अमित शाह ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और वहां से धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया है। शाह के संकल्प पत्र पेश करते ही राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अधिसूचना के बारे में बताया। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद फर्श पर धरने पर बैठ गए। उनके साथ ही कई विपक्षी सदस्य जुट गए। पीडीपी के सांसदों ने अपने कपड़े फाड़ लिए। धरने पर बैठे सांसदों को हटाने के लिए मार्शल को बुलाया गया। अमित शाह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया है। इसके तहत लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता आज मुश्किलों में जी रही है। आज जो हम बिल लेकर आए हैं वह ऐतिहासिक है। धारा 370 ने कश्मीर को देश से जोड़ा नहीं बल्कि अलग करके रखा था। बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा में संकल्प का समर्थन किया है। संकल्प पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही कश्मीर को धारा 370 के तहत जो विशेषाधिकार मिले हुए थे वे भी खत्म हो गए हैं। इससे पहले बीती रात कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। जम्मू कश्मीर में धारा 144 लागू कर दी गई और कुछ इलाकों में कर्फ्यू के हालात हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के साथ ही वहां से धारा 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों सहित तमाम विपक्षी पार्टियां करीब करीब सकते में आ गई हैं। कमोबेश सरकार के फैसले का ज्यादातर पार्टियां समर्थन ही कर रही हैं, जिनमें बसपा, शिवसेना, अन्नाद्रमुक, आप शामिल हैं। यह मामला कई दशकों से उलझा हुआ था। जम्मू कश्मीर की पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके सख्त खिलाफ हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के कुछ मिनट बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 11:39 पर लगातार दो ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू कश्मीर के नेतृत्व ने 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला किया था वो गलत साबित हो गया। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला अवैध और असंवैधानिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धारा 370 पर मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सरकार के फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर की स्थिति दिल्ली जैसी हो गई है। वहां चुनाव होंगे, सरकार भी होगी, लेकिन उप राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार का दखल बना रहेगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह लागू होगा। जम्मू कश्मीर ने 17 नवंबर 1996 को
अपना अलग संविधान पारित किया था। अब उसकी मान्यता समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग ध्वज भी नहीं होगा। इस तरह जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। अब वहाँ भी अन्य प्रदेशों की तरह विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पहले अन्य राज्यों के लोग कश्मीर के मतदाता नहीं बन सकते थे और वहाँ चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। अब भारत के नागरिक वहाँ के मतदाता भी होंगे और वहाँ चुनाव भी लड़ सकेंगे। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे सत्ता के नशे में लिया गया फैसला बताया है। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां, जो कल तक धारा 370 और 35A हटाने का विरोध कर रही थीं, अब अगली रणनीति बनाने में व्यस्त हो गई हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।